पारदर्शी नीति तैयार करें और फिर उस पर पूरी ईमानदारी से अमल करें ताकि रक्षा खरीदों में भ्रष्टाचार संबंधी जनता के धारणाओं में आशंकाओं को और खासकर बोफोर्स और रफेल जैसे आरोपों प्रत्यारोपों से तथा पार्टी में देश की छवि धूमिल होने के साथ साथ इन मामलों में कोर्ट कचहरी आदि में भी जाने से बचा जा सके। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि खासकर बीजेपी व इनके आरएसएस एवं अन्य और सभी संकीर्ण व जातिवादी संगठनों ने पूरे देश में न केवल धर्म के नाम पर राजनीति करने की लगातार यह गलत कोशिश की है बल्कि उन्होंने उन तत्वों को भी काफी बढ़ावा दिया है जिन्होंने इंसानों के बाद अब देवी देवताओं को भी अपनी घिनौनी राजनीति का शिकार बनाकर उन्हें जातियों में बांटने का भी प्रयास किया। परिणाम है कि आज बीजेपी के लोग आए दिन भगवान को अपनी अपनी जाति का बताने की होड़ में लगे हुए हैं। एक सोची समझी रणनीति के तहत मुसलमानों के जुम्मा की सामूहिक नमाज पढ़ने के संबंध में भी सरकारी मस्जिदें का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। जो व्यवस्था की है इसका हमारी पार्टी स्वागत करती है, लेकिन इससे देश के खासकर मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के गरीब अपर कास्ट समाज के लोगों को तब तक कोई विशेष लाभ मिलने वाला नहीं है बशर्ते जब तक यहाँ इन लोगों के प्रति इनकी संकेत व धार्मिक हीन भावना बरकरार बनी रहती है। स्थिति हमें खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है और इसकी काफी कुछ पुष्टि इस बात से भी हो जाती है कि सन 1947 के आसपास देश में मुस्लिम समाज के लोगों की संख्या या सरकारी नौकरियों में लगभग 33% थी जो घटकर लगभग 2 या 3% ही रह गई है। बैठ जाओ सब्सक्राइब कीजिए हमारे डायनामाइट न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।